लगातार बारिश से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। अलकनंदा नदी नीति घाटी से धौली गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। हेमकुंड से आने वाली लक्ष्मण गंगा कल्प गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। तो देखिए मॉनसून के कारण अब बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ने लगा है। तस्वीरें आप देखिए, जोशीमठ में भी लगातार बारिश के कारण जो नदियां हैं वो जलस्तर लगातार इनमें बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा की बात करें, नीति घाटी की बात करें, यहां पर लक्ष्मण गंगा कल्प गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है। कोशिश ये की जा रही है कि इन नदियों के किनारे से लोगों को हटाया जाए, और बार बार लोगों से ये अपील की जा रही है कि नदी के किनारे पर ना जाए, क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है और मुसीबत में लोग ना फंसे, इसलिए प्रशासन भी गश्त बनाए रखा हुआ है। और चलिए रंजीत रावत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता। रंजीत, लगातार जलस्तर तो बढ़ता जा रहा है, फिलहाल आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, मौसम का क्या हाल है और प्रशासन की क्या तैयारी है फिलहाल? जी, आपको बता दें कि अभी जो जोशीमठ का मौसम है लगभग थोड़ा साफ हो चुका है। कल रात लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदियों का जो जलस्तर था लगातार बढ़ रहा था। प्रशासन ने इसको लेकर के शासन प्रशासन अलर्ट भी जारी किया, जो भी यात्री है, जो भी लोग हैं, वो नदी के आस पास ना जाए, और इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है। जी, चलिए रंजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और देखिए आगे बढ़ेंगे, जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। खचारा नाला का जलस्तर बढ़ने से सड़क पर भारी मलबा हो गया है। यात्री पांडुकेश्वर में हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जो बारिश है लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। रंजीत लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। रंजीत, बारिश कहीं ना कहीं आफत अब खड़ी कर रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, किस तरीके से कोशिश अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है इस राजमार्ग को खोलने की? रंजीत, क्या मुझे सुन पा रहे? चलिए लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क रंजीत से टूट गया है हमारा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी अब बाधित हो गया है बारिश के कारण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।